दोस्तों ये मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को काफी मजा आने वाला है, क्योंकि भाई इस क्वालिटी का तो आप लोगों को लैब्राडोर भी इतने कम प्राइस में नहीं मिलते जितने कम प्राइस में आप लोगों को गोल्डन रिट्रीवर मिल जाएंगे। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द फेमस एंड काफी स्मार्टेस्ट डॉग ब्रीड के बारे में, जो है गोल्डन रिट्रीवर। तो दोस्तों अगर आप लोगों का बजट अंडर 10,000 पीस है तो भी आप लोग इस क्वालिटी को परचेज कर सकते हो, क्योंकि ये पपीज आप लोगों को अंडर 10,000 पीस में मिल जाएंगे। और दोस्तों ऐसी क्वालिटी आप लोगों को इस प्राइस में मिलना काफी मुश्किल काम है, क्योंकि दोस्तों जो 10,000 से नीचे के आप लोगों को गोल्डन रिट्रीवर मिलते हैं उनकी काफी चीप सी क्वालिटी होती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है और इस ब्रीड को आप लोग कहीं पर भी रख सकते हो या फिर किसी भी टाइप की फैमिली में भी। आपकी फैमिली चाहे कितनी बड़ी हो, उसमें चाहे छोटे बच्चे, एनिमल्स या कुछ भी हो, तो ये उनके साथ काफी कंफर्टेबली रह सकते हैं। वैसे दोस्तों फैमिलीज के लिए जब आप लोग एक परफेक्ट डॉग ब्रीड ढूंढोगे तो दो नाम सबसे पहले आएंगे, जो गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर। और जब आप लोगों को लैब्राडोर के प्राइस में ही गोल्डन रिट्रीवर मिल रहे हैं तो फिर तो भाई लैब्राडोर को नहीं बल्कि गोल्डन रिट्रीवर को परचेज करेंगे। वैसे दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि गोल्डन रिट्रीवर एंड लैब्राडोर में से आप लोगों की फेवरेट डॉग ब्रीड कौन सी है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी संडे स्पेशल वीडियो नहीं देखी तो भाई इस वीडियो को जरूर देखें, वीडियो बहुत ही अमेजिंग है और इसमें आप लोगों को काफी अच्छे ऑफर्स भी मिलेंगे। तो वीडियो का लिंक आप लोगों को ऊपर आई के बटन में एंड एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। तो फिर इस पपीज की हेल्थ और बोन साइज दोनों ही काफी हैवी है और फर भी मुझे पर्सनली काफी पसंद आया। एंड दोस्तों काफी लोग ऐसे होते हैं जो पंच फेस के गोल्डन रिट्रीवर को परचेज करना पसंद करते हैं, और ये पपीज भी बिल्कुल पंच फेस में है। ये चीज आप लोग देख ही रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट मसल में है। वैसे दोस्तों ये जो गोल्डन रिट्रीवर पपीज हैं, आज ये 31 डेज के हो चुके हैं और इनकी जो लोकेशन है वो है मेरठ उत्तर प्रदेश से। एंड आई नो आप में से काफी लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अरमन जी पपी तो हम लोग देख ही चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, बट इनके मदर फादर के बारे में क्या भाई, उनकी भी तो क्वालिटी दिखाओ। तो दोस्तों इनके पेरेंट्स की फोटो वीडियो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, वो तो ओनर आप लोगों को पर्सनली सेंड कर देंगे, आप लोग उन्हें कभी भी कॉल या मैसेजेस कर सकते हो। वैसे जिन लोगों को डॉग्स की नॉलेज होती है वो सिर्फ पपीज को ही देखकर बता सकते हैं कि भाई पपीज की क्वालिटी कैसी होने वाली है। तो फ्रेंड्स पपीज की एज और लोकेशन तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अगर बात करें डिलीवरी के बारे में तो डिलीवरी में आप लोगों को दोनों ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओनर जो है वो आप लोगों को अप टू 100 किलोमीटर तक डिलीवरी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह उस पे आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट अगर आप लोग एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहते तो डायरेक्ट ओनर के पास जाकर पपीज को परचेज करें, ये चीज आप लोगों के लिए काफी सस्ती पड़ेगी। एंड फाइनली अगर पपीज के प्राइस के बारे में बात करें तो भाई पपीज तो ऑसम क्वालिटी के हैं। एंड ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की 11,000 पीस 11,000 रुपए एंड फीमेल की क्या है जस्ट 9,000 पीस यानी सिर्फ 9,000 रुपए। दोस्तों इस प्राइस में आप लोगों को इतनी अच्छी क्वालिटी के पपीज मिल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है, और ये प्राइस भी नेगोशिएबल है। तो शायद बार्गेनिंग करने पे आप लोगों को प्राइस थोड़ा बहुत और भी कम मिल जाए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। सो टेक केयर एंड बाय बाय।